वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। तो मैं आज आप सबके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी ना पंचतंत्र की है ना अमर चित्र कथा की, कहानी है महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई। तो एक समय की बात है, एक माँ अपने बेटे को गांधी जी के आश्रम में लेके आती है। वो कहती है, गांधी जी अब आप ही मेरे बेटे को समझा दीजिए कि वो ज़्यादा जामुने ना खाए, वो पूरे दिन भर जामुन खाता ही रहता है, बहुत खाता रहता है, तो उसको बोल दीजिए थोड़ा। तो गांधी जी बोलते हैं, आप मेरे पास 2 हफ्तों बाद आइएगा। 2 हफ्ते गए, दिन बीतते गए, और फाइनली वो 2 हफ्ते के बाद वाला दिन था। तो वही माँ अपने बच्चे को दोबारा गांधी जी के पास लेके आती हैं। वो कहती हैं, गांधी जी मैं आ गई, ये वही जामुन वाला केस है जो आपको मैंने बताया था। गांधी जी बोलते, बेटा जामुन नहीं खानी। तो माँ आश्चर्यचकित होकर देखती हैं कि सिर्फ 2 हफ्ते के बाद आपने हमें ये सेंटेंस मेरे बेटे को समझाने के लिए बुलाया था, वो तो आप उसी दिन कह सकते थे। इस बात पर गांधी जी कहते हैं, कुछ दिनों पहले तक जब तक आप नहीं आई थी तब मैं भी बहुत सारी जामुने खा रहा था, तो जब तक मैं खुद उस आदत से नहीं हटता तो मैं किसी और को कैसे वो आदेश देता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो काम आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो आप किसी और को भी मत कहिए। मतलब आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग बड़ी जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीज़ों में से नुक्स निकालने लगते हैं। तो जब आप किसी और की नुक्स निकालें तो उसके पहले आप खुद अपने अंदर झांकिए, क्या आप जो उसको कह रहे हैं कि ये करो वो करो, क्या आप खुद अपने जीवन में पालन कर रहे हैं उस चीज़ का? अगर नहीं तो पहले गांधी जी की तरह कीजिए और फिर किसी और को वो करने के लिए आदेश दीजिएगा। इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।